मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस एंड बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस और बैरियर्स आते हैं। इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स टू इंक्लूजन, यानी कि जो ये अवरोध आते हैं, जो बैरियर्स आते हैं, इनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, कैसे इनको रोका जा सकता है, कैसे इनका कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैलेंजेज एंड बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। ऑल दो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अटेम्प्टेड टू क्रिएट पॉलिसीज दैट आर इंक्लूसिव फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, देयर इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स हैव नॉट रिजल्टेड इन एन इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नॉट Have they reached their goal of education for all? देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसेबिलिटीज से पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसीज क्रिएट की गई ताकि उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा दी जा सके, यानी कि उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जा सके, उन बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सके। तो एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, जो कि बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि सभी बच्चों को एक साथ एक जैसी एजुकेशन दी जानी चाहिए। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से न होने के कारण गवर्नमेंट का जो गोल था, जो उद्देश्य था कि एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस गोल को प्राप्त करने में गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसके पीछे यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस और बैरियर्स थे, तो वही बैरियर्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैलेंजेस और बैरियर्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ बैरियर। अ बैरियर इज एन ऑब्जेक्ट, थिंग, एक्शन और सिचुएशन दैट कॉजेज एन ऑब्स्ट्रक्शन। Different types of barrier include physical, economic, psychological, cultural, political and technological. Barriers can exist naturally, be man-made or a combination of both. देखिए, barrier का मतलब होता है जो अवरोध पहुंचाने वाले तत्व। तो barrier कोई object हो सकता है, कोई thing हो सकती है, कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी situation हो सकती है जो किसी काम में रुकावट का कारण बनती है। तो अलग अलग तरह की बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे फिजिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। और बैरियर्स जरूरी नहीं है मैन मेड हो, यानी कि आदमी के द्वारा बनाए गए हो। कई बार बैरियर्स होते हैं नेचुरल बैरियर्स होते हैं, कई बार मैन मेड बैरियर्स होते हैं, कई बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस एक नेचुरल बैरियर है जिसने सभी की ज़िंदगी को एक तरह से थमा दिया है। तो बैरियर्स नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आइए देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस और बैरियर्स थे। एटीट्यूडनल बैरियर्स, एजुकेशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो बच्चे एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो सेकंड पेपर है उसकी 10th यूनिट का टॉपिक भी है ये चैलेंजेज एंड बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा जो बच्चे सी टेट, एच टेट, रिट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बी एड और एम एड का तो है ही, इसको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स क्या होते हैं। एटीट्यूडनल बैरियर्स आर बिहेवियर्स,
perceptions and assumptions that discriminate against persons with disabilities. These barriers often emerge from a lack of understanding, which can lead people to ignore, to judge, or have misconceptions about a person with a disability. देखिए, attitudinal barriers कोई व्यवहार perception और assumptions होती हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है disability से पीड़ित बच्चों के साथ भेदभाव करता है, यानी कि कभी कभी व्यक्ति अपने मन में इस तरह की धारणाएं बना लेता है कि वो उन लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता। तो इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो है व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, जो डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति है, उसको इग्नोर करता है, उसको जज करने की कोशिश करता है, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। तो आइए देखते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव एटीट्यूड्स, यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव होता है डिसेबल्ड लोगों के प्रति, वो उनके साथ इंक्लूड होकर पढ़ना ही नहीं चाहते। तो नेगेटिव एटीट्यूड एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आपका व्यवहार ही दूसरों के प्रति नेगेटिव होगा तो आप उसके साथ बिल्कुल मिलजुल नहीं पाएंगे, उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। नाउ सेकेंड एटीट्यूडनल बैरियर इज लैक ऑफ इंट्रैक्शन, यानी कि सहभागिता का अभाव। Many people are not prepared to interact with people with disabilities. They think that persons with disabilities lack the skills needed to live in the community or to be educated with non-disabled children. देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित बच्चों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं होना चाहते, वो उनको अपना सहपाठी बनाना ही नहीं चाहते, उनके साथ दोस्ती करना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है कि वो हमारे साथ एजुकेशन ग्रहण कर सकें या समाज में वो रह सकें। तो लैक ऑफ इंट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा एटीट्यूडनल बैरियर है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एंड इमोशनल बुलिंग, यानी कि शारीरिक और भावनात्मक बदमाशी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं और उनके साथी लोग होते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको शारीरिक और इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस बैरियर है, जिसके कारण क्या होता है कि जो डिसेबल्ड बच्चा होता है वो नॉर्मल बच्चों से दूर रहने की कोशिश करता है, उनके साथ मिलना जुलना वो नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो बार बार उनको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। Now we will discuss educational barriers of inclusive education, यानी कि जो educational barriers हैं वो कौन कौन से हैं। Poor organization of the educational system, यानी कि शैक्षिक प्रणाली का खराब संगठन। There is also not an accurate picture of the number of learners excluded from the school system due to lack of coordination within many systems. Moreover, these are different types of schools such as private, government and public schools which are developing in equality by offering different levels of facilities and support. देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली का संगठन बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये नहीं पता चलता है कि कितने लर्नर्स को उन्होंने एक्सक्लूड किया है, यानी कि कितने बच्चों को उन्होंने अपने स्कूल से बाहर किया है। एक तरह से बात करें तो उनके पास डाटा प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होता है। और दूसरा रीजन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स अलग अलग तरह के हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई पब्लिक स्कूल है, और ये सभी स्कूल अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ और सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिससे इन इक्वलिटी का डेवलपमेंट होता है, यानी कि असमानता पैदा होती है। गवर्नमेंट स्कूल में अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में अलग फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहेंगे जहां उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ और सपोर्ट मिलता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई इनइक्वलिटी नहीं हो। तो ये भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बैरियर है। अनट्रेन टीचर्स भी एक बहुत बड़ा बैरियर है इंक्लूसिव एजुकेशन में, एक एजुकेशनल बैरियर है, क्योंकि अगर टीचर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं हैं तो वो स्पेशल नीड वाले बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं टीच कर पाएंगे, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग, एबिलिटीज़ और उनका एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो टीचर्स में वो प्रॉपर स्किल्स नहीं है कि वो इस तरह के बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल टीचर्स है जो कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ाती है, तो अगर उसी टीचर को किसी विजुअली इम्पेयर या हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित बच्चे को पढ़ाने के लिए कहा जाए, तो वो टीचर उस बच्चे को
प्रॉपर तरीके से नहीं टीच कर सकती, क्योंकि जब तक उस टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी स्पेशल बच्चों को टीच करने की, तो वो उनको नहीं प्रॉपरली पढ़ा पाएंगी। तो टीचर्स में वो प्रॉपर स्किल्स नहीं है, और साथ ही उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता स्पेशल नीड वाले लर्नर्स के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट, करिकुलम एज अ बैरियर। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में पाठ्यक्रम भी एक अवरोधक के रूप में है, क्योंकि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम एक मेजर टूल या एक मेजर ऑब्स्टिकल होता है, जिसके द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में कुछ फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सभी डिफरेंट टाइप्स वाले लर्नर्स की डिफ़िकल्टी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। क्योंकि जो सेंट्रली करिकुलम डिज़ाइन किया गया है बहुत ही रिजिड है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है। क्योंकि अगर उसको चेंज करना चाहें तो वहाँ टीचर्स अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें या कुछ न्यू अप्रोचेस को ट्राई करना चाहें तो उसके लिए वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। बिल्कुल रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिकेट फंडिंग। एडिकेट फंडिंग इज अ नेसेसिटी फॉर इंक्लूसन एंड येट इट इज़ रेयर। Schools often lack adequate facilities, qualified and properly trained teachers and other staff members, educational materials and general support. देखिए, inadequate funding यानी कि funding proper तरीके से नहीं दी जाती है। जितना धन स्कूलों को दिया जाना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण schools में facilities की कमी है, qualified और trained teachers वहाँ नहीं हैं, दूसरे स्टाफ मेंबर्स की भी कमी है, और एजुकेशनल मटेरियल और जर्नल सपोर्ट की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों की कमी वहाँ पे रहती है, क्योंकि प्रॉपर फंडिंग उनको नहीं मिल पाती है। पॉलिसीज एज बैरियर्स। देखिए, पॉलिसीज यानी कि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो भी एक अवरोधक के रूप में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके विचार इंक्लूसिव एजुकेशन पर बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कोई कुछ विचार व्यक्त करता है, कोई दूसरा एजुकेशनिस्ट कुछ व्यक्त करता है, जिसके कारण इंक्लूसिव पॉलिसीज जो बनाई गई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है, यानी कि जो डिसेबिलिटीज से पीड़ित बच्चे हैं उनको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो डिसेबिलिटीज से पीड़ित बच्चे हैं चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, पार्क, प्लेग्राउंड या किसी भी पब्लिक प्लेस पर वो जाते हैं, तो उनके लिए व्हीलचेयर, रैंप वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की कमी है। अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर हम बात करें कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है यानी कि सहायक तकनीकी क्या होती है, तो सहायक तकनीकी का अर्थ है कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट और इस तरह की सर्विसेज डिज़ाइन की जाती हैं डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित बच्चों के लिए, ताकि वो कहीं पर भी जाएं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, चाहे घर हो, स्कूल हो, कोई वर्क प्लेस हो या समाज में कुछ भी काम हो करते हैं, तो उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल बैरियर्स क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। सोशल बैरियर्स, देखिए, समाज किस तरह से बाधक बनता है समावेशी शिक्षा में। तो फर्स्ट पॉइंट इज, पेरेंट्स आर हेजिटेंट अबाउट इंक्लूजन। समटाइम्स पेरेंट्स डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन शुड स्टडी विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन। दे थिंक इट विल हैव बैड इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड, सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर। देखिए, माता पिता ही हेजिटेट करते हैं इंक्लूजन के लिए, यानी कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाया जाए, जो नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एक साथ पढ़ाया जाए। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर वो डिसेबल्ड बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उनके माइंड पर एक तरह से बैड इम्पैक्ट जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है पेरेंट्स की जो थिंकिंग है, पेरेंट्स का जो हेजिटेशन है इंक्लूजन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, पीर प्रेशर। नेगेटिव पीर एटीट्यूड एज बीइंग अ मेजर बैरियर टू फुल सोशल इंक्लूजन एट स्कूल फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर ऑफन एन इजी टारगेट फॉर बीइंग टीज्ड एंड बुलिड बाय देयर नॉन डिसेबल्ड पीर्स। देखिए दोस्तों, का अगर एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो इससे क्या होता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं बहुत ही हर्ट होते हैं, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह के बच्चों को टीज़ करते हैं, उनको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फियर इन माइंड। समटाइम्स नॉन डिसेबल्ड पीपल हैव फियर इन देयर माइंड दैट दे मे से समटाइम्स रॉन्ग टू डिसेबल्ड पीपल
विच में हार्म देम और हर्ट देम, सो दे ऑलवेज ट्राई टू लीव अवे फ्रॉम सच पर्सन्स। देखिए, कभी कभी नॉन डिसेबल्ड बच्चों के दिमाग में डर होता है कि जो डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित बच्चे हैं कहीं वो उनको नुकसान न पहुंचा दे, तो इस डर के कारण वो उन बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहते, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कल्चरल बैरियर्स, यानी कि सांस्कृतिक अवरोधक क्या क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं, यानी कि सांस्कृतिक अवरोधक का मतलब क्या होता है। कल्चरल बैरियर्स का मतलब वो कल्चरल फैक्टर्स जिसके कारण किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरह के जो बैरियर्स या अवरोधक होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के वैल्यूज़ और उनके बिलीफ्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वैल्यूज़ क्या है, उनके बिलीफ्स क्या है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो कौन कौन से कल्चरल बैरियर्स इंक्लूसिव एजुकेशन में बाधक के रूप में होते हैं। नंबर वन, डिफरेंट इथिकल वैल्यूज़, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है, जिसके कारण वो अपने बच्चों के लिए अलग से इंस्टीट्यूट चाहते हैं। स्पेशली जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए वो चाहते हैं कि हमारे जो ग्रुप की जो वैल्यूज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके लिए इंस्टीट्यूट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मैनी स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न वाइल बींग टॉट इन अ लैंग्वेज दैट इज़ न्यू एंड इन सेम केसेस अनफेमिलियर टू दैम। दिस इज ऑब्वियसली अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू सक्सेस लर्निंग। देखिए, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी इंक्लूसिव एजुकेशन में एक कल्चरल बैरियर के रूप में है। कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से इस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई जो भी न्यू लैंग्वेज में उनको सिखाया जाता है वो उसी लैंग्वेज में सीखें, चाहे बच्चे को उस लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नॉलेज ना हो। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी एक बाधक के रूप में बन जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज जो उन बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू है वो उसमें कुछ भी नहीं सीख सकते, तो ये एक सिग्निफिकेंट बैरियर है लर्निंग में। नेक्स्ट पॉइंट, थिंकिंग ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम विच दे बिलोंग। Sometimes it may be in the group that there is no need to send the children for study. देखिए, कई बार क्या होता है कि जिस ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं उसकी सोच भी एक अवरोधक के रूप में होती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ चैलेंजेस और बैरियर्स इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स टू इंक्लूजन, यानी कि जो बैरियर्स इंक्लूजन में हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उनको किस तरह से काबू किया जा सकता है। तो आइए मेन मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, माता पिता और कर्मचारियों को समावेशन से संबंधित कार्यशालाओं, सहायक समूहों और साइटों पर इस तरह की रिलायबल इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो उससे कनेक्ट हो सके, यानी कि माता पिता और स्टाफ को इंक्लूजन संबंधित जानकारी प्रदान की जाए। यूज़ न्यूज़लेटर टू हाईलाइट इंक्लूजन्स बेनिफिट्स एंड फैक्ट्स, यानी कि समावेशन के लाभ और उनके तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए समाचार पत्र आदि का प्रयोग किया जाए, उनको नॉलेज दी जाए। डेवलप इंक्लूजन रिसोर्सेज एज लाइब्रेरी विद बुक्स, वीडियोज एट्सेट्रा, यानी कि बुक्स, वीडियोज आदि के द्वारा पुस्तकालय के रूप में एक तरह से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जाए कि लाइब्रेरी में इस तरह की बुक्स हों, वीडियोज हों, इस तरह के रिसोर्सेज हों जो कि इंक्लूजन को डेवलप कर सकें। कंसिडर एन इंक्लूजन ऑब्जर्वेशन सीरीज दैट लेट्स पेरेंट्स वॉच इंक्लूजन इन प्रैक्टिस। देखिए, एक इस तरह की ऑब्जर्वेशन इंक्लूजन से रिलेटेड एक इस तरह की ऑब्जर्वेशन सीरीज़ तैयार की जाए जिसमें क्या है कि माता पिता को इंक्लूजन के बारे में प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज दी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग प्लानिंग फॉर इंक्लूजन वेल इन एडवांस ऑफ द स्कूल ईयर सो टीचर्स फील रेडी ऑन फर्स्ट डे। देखिए, जैसे ही स्कूल ईयर यानी कि न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो इंक्लूजन के बारे में इस तरह से प्लानिंग की जाए ताकि टीचर पहले दिन से ही तैयार महसूस करे, अपने आप को वो रेडी समझे उस काम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पेयर नॉविस टीचर्स विद एक्सपीरियंस्ड वंस सो दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एज अ टीम। देखिए, नॉविस टीचर का मतलब होता है वो टीचर्स जो न्यू है उस काम के लिए, यानी कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो नए टीचर्स हैं उनको एक्सपीरियंस होल्डर्स टीचर्स के साथ इस तरह से एक टीम के रूप में जोड़े ताकि वो समस्याओं को हल कर सकें, यानी कि एक एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ एक न्यू टीचर को जोड़ा जाए ताकि वो एक टीम के रूप में काम करके अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूजन से रिलेटेड, उसको सोल्व कर सकें।
हायर एन इंक्लूजन कोच टू डिस्कवर स्पोर्ट नीड्स एंड प्रोवाइड मेंटरिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए कभी कभी स्कूल के द्वारा इंक्लूजन कोच को हायर किया जाना चाहिए। देखिए इंक्लूजन कोच का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति जो समावेशन के बारे में नॉलेज रखता है, तो उस तरह के कोच को हायर किया जाना चाहिए ताकि वो टीचर्स को मेंटरिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरह से करना है इस तरह के बच्चों का उसके बारे में नॉलेज दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, शो स्टाफ हाउ टू यूज अ रिसोर्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर टीचिंग प्री स्कूल्स विद स्पेशल नीड्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड, इम्बेड इंटरवेंशंस इनटू क्लासरूम एक्टिविटीज एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। दे विल बी एबल टू सी जस्ट हाउ मच किड्स विद डिसेबिलिटीज लर्न एंड ग्रो ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। देखिए जो स्कूल स्टाफ होता है वो पेरेंट्स को ये दिखाए कि किस तरह से वो रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर क्लासरूम एक्टिविटीज़ में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होने देते और उनकी जो प्रोग्रेस होती है उसको वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं वो किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं और किस तरह से वो अपना जो साल का उनका कोर्स होता है उसको कम्प्लीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स को दिखाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इन पॉइंट्स के अलावा अगर आप कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं तो जो हमने चैलेंजेस और बैरियर्स किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को अगर आप रिवर्स करके लिखेंगे, यानी कि जैसे करिकुलम एक बाधक है क्योंकि रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको अगर आप लिखेंगे कि भाई करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, पेरेंट्स का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चैलेंजेस और बैरियर्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को अगर आप रिवर्स करके लिखेंगे तो उन पॉइंट्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।